नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक नए दिन, एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सेक्शन 498A यानी कि दहेज प्रथा के लिए जो एंटी डाउरी लॉ बनाया गया था उसका किस तरीके से बढ़ चढ़ के दुरुपयोग हो रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के सम्मान के लिए तो हर कोई लड़ रहा है, लेकिन पुरुषों के सम्मान की कोई बात नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के ट्रायल कोर्ट की जज निवेदिता अनिल शर्मा कह रही हैं और ये बात 100% सच है। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेक्शन 498A के बारे में कि सेक्शन 498A क्या है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लो। सेक्शन 498A ऑफ द IPC इज अ क्रिमिनल लॉ इन व्हिच द वाइफ एंड हर फैमिली कैन चार्ज एनी और ऑल ऑफ द हस्बैंड्स फैमिली ऑफ फिजिकल और मेंटल क्रुएल्टी। थोड़ा सिंपल तरीकों में हिंदी में समझने की कोशिश करें तो अगर पत्नी को किसी भी तरीके में दहेज के लिए उसको परेशान किया जाए या फिर मेंटली या फिजिकली उसको टॉर्चर किया जाए तो पत्नी पुलिस में जाके केस फाइल कर सकती है हस्बैंड के और हस्बैंड के परिवार वालों के खिलाफ और पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, 7 साल की सजा होगी। अब अगर आपके ऊपर 498 का केस लगा तो आपका क्या हाल होगा? आप जेल जाओगे, आपकी मम्मी जेल जाएंगी, आपके पापा जेल जाएंगे, आपकी भैया जेल जाएंगे, आपकी बहन जी जेल जाएंगी, आपका कुत्ता जेल जाएगा अगर गलती से FIR में नाम लिखवा दिया, आपका कोई रिश्तेदार अगर देश में रहे विदेश में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी जेल जाएगा। इसके साथ अगर आपके घर में कोई 2 महीने की बच्ची है तो वो भी जेल जाएगी, क्योंकि मुंबई में 2 जोया नाम की लड़की गई थी, वो 2 महीने की थी, उसको चीखना भी नहीं आता था, वो भी जेल चली गई थी। इस चक्कर में 2 महीने की बच्ची है वो भी जेल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके कोई दादाजी हैं वो ICU में भर्ती हैं या फिर उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो वो भी जेल जाएंगे। ये है स्ट्रिक्ट लॉ। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो वो तो जाएगी ही जाएगी। ये है, 7 साल के लिए सजा होगी। इसके साथ साथ अगर आपको इस लॉ में एक दिन के लिए भी जमाना चाहिए तो आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे पर आदमी, यानी कि आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे पर डे बता रहा हूं मैं आपको। तो इतना महंगा है कि नॉर्मल आदमी तो समझ लो उसकी लाइफ फिनिश है। 7-8 साल के पहले ये केस खत्म नहीं होता, बहुत मतलब इशू है इसमें। खैर, अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कि ये जो लॉ है ये नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है और नॉन बेलेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है कि अब पुलिस को अरेस्ट करने के पहले मजिस्ट्रेट से लिखित में देना होगा कि क्यों वो अरेस्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले कोई वो नहीं होता था कि मजिस्ट्रेट से लो या दुनिया से लो, पहले पुलिस को ऑर्डर था कि जैसे ही केस दर्ज हुआ तुरंत पकड़ के लाइए, तुरंत जेल में बंद कर दीजिए, चाहे प्रूफ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तुरंत अरेस्ट करिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है इसका दुरुपयोग, एक काम करो ऑटोमेटिक अरेस्ट का ऑप्शन हटा दो। ऑटोमेटिक अरेस्ट का ऑप्शन हटा दिया गया और ऑर्डर मिल गया पुलिस वालों को कि अब आप अरेस्ट करोगे जब आप एक बार खुद से थोड़ी छानबीन कर लीजिए और मजिस्ट्रेट से लिखवा लीजिए। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर यह था कि अगर आपको लगे कि आरोपी भाग सकता है शहर छोड़ के या फिर कोई दूसरा क्राइम कर सकता है तो आप पकड़ लीजिए। तो इसमें करप्शन भी बहुत होता था तो इसके तहत लोगों को खूब पकड़ा गया, 1% गिरावट आई लेकिन ज्यादा नहीं आई। कंपाउंडेबल मतलब यह है कि कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि अगर महिला ने यानी कि पत्नी ने एक बार कंप्लेंट डाल दी तो वो कंप्लेंट वापस भी ले सकती है। पहले क्या होता था, पहले यह होता था कि एक बार कंप्लेंट डाली तो कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते थे। तो इससे क्या हुआ, एक बार आपने कंप्लेंट डाल दी पति के खिलाफ या उनके परिवार वालों के खिलाफ तो समझ लो खत्म फिनिश, आप कुछ नहीं कर सकता। तो कोई नॉन बेलेबल है यानी कि बेल लेने के लिए जिस बंदे पर आरोप है तो उसको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, ये नॉन बेलेबल है। अगर ये प्रूफ हो गया कि महिला ने इस कानून का दुरुपयोग किया है तो कोई पेनल्टी नहीं है, बहुत बढ़िया। जेल 7 साल के लिए जाओगे आप, सरकारी नौकरी भी आपकी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, कोर्ट ने अभी रेप के आरोपी जिस एक आदमी के ऊपर एक केस लगा था कि उसने रेप किया है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन करी तो पता लगा कि यार ये तो सब फ्रॉड है, उसने कोई रेप नहीं किया था। और इवन महिला ने कोर्ट में ये खुद माना है कि हां उसने फेक यानी कि फर्जी केस दर्ज करवाया था आदमी को फंसाने के लिए। अब पीपल यानी कि लोग जो है इसका क्यों मिसयूज करते हैं, 498A धारा का क्यों लोग मिसयूज करते हैं। ये 1983 में आई थी, जब से लेके इसका हजारों में मिसयूज हुआ, लेकिन क्यों? सबसे पहली चीज है लीगल एग्जॉर्शन, यानी कि लोग पैसा कमाने के लिए इसका मिसयूज करते हैं। नंबर 2 रिलेशनशिप, क्या होता है कि लोगों की ये सोच है, यानी कि मान लो लड़की है, अब लड़की प्यार करती है किसी और से,
लेकिन उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई तुम तो हमारे पसंद की शादी करो। तो लड़की क्या करती है कि पहले तो एक दो महीने के लिए शादी कर लेती है, बाद में 498A लगा दिया तो बस आप लड़की तो छूट गई, लेकिन लड़की का क्या हुआ, उसकी जिंदगी खत्म। तो लड़की शादी कर लेगी अपने बॉयफ्रेंड से और सब खत्म हो गया, बेचारा लड़का फंस के रह गया, कोई उसकी बात नहीं करता, वो कहां जाएगा, कहीं खत्म। इसके साथ साथ इसका डोमिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है, अगर पत्नी को पूरे घर पे कब्जा करना है या फिर घर लेना है, घर की प्रॉपर्टी अपनानी है, तो इसका बहुत बढ़ चढ़ के दुरुपयोग होता है। थोड़े अब मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो है कोलकाता की एक औरत जिसका नाम है मंजू अग्रवाल। मंजू अग्रवाल ने 498 तो लगाया ही लगाया है, इसके साथ साथ 8 फॉल्स केसेस यानी कि 8 फेक फर्जी केसेस लगा दिए 66A और 66E को भी मिला के। अब आप वीडियो देखिए और खुद फैसला करिए कि किस तरीके से महिला जो है पति को गालियां दे रही है, मार रही है, टॉर्चर कर रही है, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रही है कि अगर तुम्हारी मम्मी मेरे कमरे में आई तो उसको जान से मार दूंगी और फांसी पर लटका दूंगी। आप खुद सुनिए। हम लोग तो रहने दे देंगे ना, लेट अलोन मम्मी, आपको लगता है कि आप रह पाएंगे ऐसे? एकदम। कैसे रहेंगे आप? मेरी मम्मी यहाँ पे आएगी, इस रूम में रहेगी, इस रूम में आपकी माँ रहेगी ना, जान से मार दूंगी आपकी माँ को, गारंटी है मेरी। चलो फांसी चढ़ जाऊंगी, जान से मार दूंगी, लेट्स सी करते रहना। तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम कुछ कर सको। जो भी है मार के दिखा मेरे को। मारूंगा तो मैं नहीं, मार के दिखा मेरे को, मैं तेरे को मारूंगा तुम्हें। हाँ तो चल। सुन लिया आपने, देखा कि किस तरीके से ये महिला है, वो मार रही है लेकिन पति कुछ नहीं कह सकता। उस महिला को ये नहीं पता था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और अब उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं 498 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 498A एक लीगल आतंकवाद की तरह है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं कि 498A एक सबसे बड़ा रीजन है, इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा बुजुर्गों का अपमान होता है, बुजुर्गों का बहुत ज्यादा उनको गालियां भी पड़ती हैं 498 के तहत। अब बुजुर्गों की बात आई है तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो फेसबुक पर और इंटरनेट पर बाकी साइट्स पर बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से जो औरत है वो अपनी सासू माँ को मार रही है, बाल पकड़ के मार रही है, उसको जिंदा खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप वीडियो देखिए और अगर वीडियो देखने के बाद खून ना खोले तो जाके चेक करा लेना, पानी होगा। टेस्ट वीडियो देखिए। देख लिया वीडियो, आपका खून जरूर खोला होगा, नहीं खोला होगा तो चेक करा लेना, पानी भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो अब थोड़े आपको आंकड़े बताता हूं 498A के, थोड़े से आंकड़े सुन लीजिए आप।
1995 यानी कि 1995 में 28,569 लोगों को अरेस्ट किया गया, 1996 में 35,000 लोगों को, 97 में 36,000 लोगों को यानी कि 36,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद 41,000 लोगों को, फिर 43,000 लोगों को, फिर 45, फिर 39, फिर 39, फिर 50, फिर 58, फिर 58 और 2012 तक में 106,527 लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी एक साल में 106,000 लोगों को। मतलब सिर्फ आंकड़ा बड़ा है, घट नहीं रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि 2011 से लेकर 2013 तक 31,000 से ज्यादा फर्जी मामले सामने आए हैं 498A के तहत, यानी कि इसका सिर्फ मिसयूज हुआ, फायदा बहुत कम हुआ। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, ये एक सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नोट आप पढ़ोगे ना तो रो दोगे। ये अभी 2016 में जनवरी 25, 2016 को एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ये सुसाइड नोट है, आप पढ़ोगे तो रो दोगे। अब आपको थोड़े रेप के ऊपर आंकड़े सुनवाता हूं, किस तरीके से रेप का लॉ किसका बहुत ज्यादा उसका बढ़ चढ़ के दुरुपयोग होता है, सुनाता हूं मैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB कहता है कि साल 2012 में दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 661 रेप केसेस में से 304 रेप केसेस को फर्जी यानी कि फ्रॉड बताया। फ्रॉड निकले वो केसेस यानी कि झूठे फाइल किए गए थे। 2013 में 318 रेप केसेस में से 237 रेप केसेस फर्जी यानी कि फ्रॉड निकले। नवंबर 28 2015 को इंदौर में एक लड़की अपने घर से कहीं भाग गई होगी, कहीं पार्टी वार्टी करने गई होगी, दूसरे दिन जब वो लौट के आई तो उसके डर लगा होगा कि कहीं मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, तो उसने फर्जी कहानी बना दी, उसने कह दिया कि मेरा तो गैंग रेप हो गया था, ऐसा कह दिया, तो मम्मी पापा को डर लगा कि भाई कुछ हो गया होगा, तो उन्होंने केस दर्ज करवा दिया पुलिस में। पुलिस ने तहकीकात करी तो पता लगा कि अरे यार ये तो पूरा फ्रॉड फेक केस था। फिर उसने खुद स्वीकार किया कि अरे मैंने फेक केस दर्ज करवाया था। नवंबर 3 2015 को दिल्ली में फेक रेप केस दर्ज करवा दिया गया। उसके बाद महिला को जब पुलिस ने तहकीकात करी तो उसने एक्सेप्ट किया कि यार मैंने तो फेक केस दर्ज करवाया था। नवंबर 13 2015 को 4 गैंगरेप के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि महिला ने फिर से कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि उसने झूठा केस दर्ज करवाया था। 9 नवंबर 2015 को 4 आरोपी अरेस्ट किए गए क्योंकि वो एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की मांग रहे थे, 20 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे कि अगर 20 लाख नहीं दोगे डॉक्टर साहब तो आपके ऊपर फेक रेप का केस दर्ज करवा देंगे। इन चार आरोपियों में से दो महिलाएं भी थीं और दो पुरुष थे। 28 अगस्त 2015 को मेरठ में एक महिला को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने फेक रेप केस यानी कि फॉल्स रेप केस फाइल किया गया था। बिजनौर में लड़की वालों ने लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया उसको घर पे बुला के। हाँ आप खुद सुनिए वो लड़का क्या कहता है। युवती ने डाला युवक पर तेजाब, युवक की हालत गंभीर। गिफ्ट करके और वहाँ से अलविदा कह के निकला है तो उन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि सूरज सुनना, मैं रुका तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब फेंक के मार दिया आफरीन ने। सुन लिया तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से इस लॉ का बहुत बढ़ चढ़ के मिसयूज हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज तो मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि इसमें बदलाव लाना चाहिए या फिर इसको पूरी तरीके से इस लॉ को खत्म कर देना चाहिए। और इसमें कि अगर कोई भी आदमी 498A के तहत फंस जाए तो सबसे पहला काम आप ये करना कि मेंस राइट्स नाम के जो जितने भी NGOs चलते हैं आप उन NGO से कॉन्टेक्ट करना, वो आपको फ्री में हेल्प कर देंगे। ये सब वो लोग हैं जो फंस चुके थे केसेस में, तो आपको फ्री में हेल्प कर देंगे, उनसे सबसे पहले कॉन्टेक्ट करना। और पुलिस से अरेस्ट होने से बचना, ज्यादा से ज्यादा बच सको समझे, कुछ भी करो अरेस्ट मत होना और बेल ले लेना अगर हो जाए तो ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमारे देश में महिला बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। अब आप खुद फैसला करिए क्या ऐसे लॉस का दुरुपयोग घटना चाहिए, क्या ऐसे लॉस को पूरी तरीके से शट डाउन कर देना चाहिए या फिर नहीं। आपकी राय कमेंट्स में मैं जरूर देखूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।